मैं थक रही हूँ, प्लीज एक चेयर में जाएगा, मैं थक जाऊंगी। ने टॉयज। हाय फातिमा, ये क्या है? डॉल है। वाओ, ये प्लेट है, मैं इसमें नाश्ता खाती हूँ, मैं इसमें वाटर बनूंगी। दिखाओ। मैं इसमें वाटर बनूंगी, मैं इसमें नाश्ता खाऊंगी। ओके, ये आपके नाश्ते की ट्रे है। ये मेरे खाना है। ये कप? इसमें डॉल भी लगे, इसकी ये फ्रेंड है। वाओ, इसमें तो डॉल भी बनी है, फातिमा की तरह डॉल है ना भाई। दिखाओ अपनी डॉल, दिखाओ इधर, सब इस तरफ मुंह करो ना, ऐसे करो, ऐसे ऐसे अपने हाँ उधर से। चलो ऐसे, चलो गाइस मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। चलो गाइस खोल के ना दिखाओ, बस ऐसे ही दिखा दो गाइस, खोल ऐसे खोल के भी दिखाते हैं गाइस। और यकीन रखो, अगर तुमने अपनी दुआएं अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं, तो वो दुआएं तवील सफ़र के बाद खूबसूरत मंजिल ही लाएंगी। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ें तुम तक लाएगा मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। बेशक अल्लाह ताला पर कामिल यकीन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ये जी मेरी मनपसंद डोनट एंड चाय का कप, ये जी इवनिंग चाय जो है वो इंजॉय की जा रही है। तो जी कुछ ग्लिम्प्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। आज के व्लॉग में आपको नज़र आएगा कि अलखुशी फाउंडेशन की तरफ से हमने जी नान टिक्की बांटी बच्चों में, जैसे कि बचपन में स्कूल में हम खाते होते थे और बहुत ही मज़े की होती थी। और ये जी मैंने नान टिक्की और उसके ऊपर रायता रखा और बहुत ही टेस्टी, और बच्चों ने और उनकी फैमिली ने इन्जॉय किया। और जी मैक्सिमम मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों को इन्जॉय करवाऊँ, कि वो खुश हों कि हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं मिल रही खाने को। और जी पिक्सी ब्लशेस जो हैं, इनका रिव्यू आज आपको देखने को मिलेगा। और अगला दिन जो स्टार्ट हुआ, तो मैंने जी कैनन्स के कबाब मंगाए हुए थे, और कुछ नंडोज की सॉसेस, और जी मैंने नाश्ता तैयार किया, चाय भी रेडी, और अपने लिए एक अंडा बॉयल किया, और पराठा डॉन का गरम किया, और उसके ऊपर दो कबाब रखे, और नंडोज की सॉसेस डाली, और चाय का कप रेडी था। ये जी मेरा बेहतरीन नाश्ता, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे जी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अफ्तारी के लिहाज से काफ़ी लोग जो हैं वो डिशेस बना रहे हैं, और एवरी ईयर ऐसा होता है कि हर कोई अपनी अपनी रेसिपीज शेयर करता है, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज भी मिलते हैं, और जो खवातीन हैं घरेलू खवातीन उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो जल्दी से यूट्यूब से रेसिपी सर्च करें और उसको फौरन से बना दें। और वाकई जो रेसिपीज होती हैं वो सम तो नहीं कहूंगी, सम टाइम तो नहीं, बल्कि ऑलवेज ऑथेंटिक और अच्छी रेसिपीज मिलती हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल तो ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी रेसिपीज शेयर कर रहे होते हैं, तो जरूर आइडियाज लेने चाहिए। सो मैं भी आपके साथ एक मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मजेदार है, चिकन वेजिटेबल कबाब। आपको तो आपको जी मिलेंगे चिकन वेजिटेबल कबाब देखने को, बहुत ही मजेदार और इजी क्विक झटपट रेसिपी है, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरखान को लगाइएगा चार चांद। और जब आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके दस्तरखान को चार चांद तो लगेंगे ही, और आपको मिलेगी वाह वाह की दाद, और वाह वाह जब मिलती है तो इंसान खुश हो जाता है, हैप्पी होता है,
और आपका जी आयरन बढ़ता है, और आयरन जो बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लड की कमी होती है, और जब ब्लड की कमी पूरी इस तरह से हो जाए तो फिर क्या ही बात है। ठीक है जी, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि कैसा लग रहा है आपको व्लॉग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। और आपको मैं ऑलवेज ऑलवेज यही कहूंगी कि महरीन लाइफस्टाइल का हिस्सा बनिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये चैनल, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया है अपनी फाउंडेशन के लिए, जिसका नाम है अल खुशी फाउंडेशन, स्प्रेड हैप्पीनेस इसका स्लोगन है, आओ खुशियां बांटें। तो अपने अपने हिस्से की यही आपने जो है अच्छी और नेकी ये करनी है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है जी, और जो माएं बहनें और बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से अपना प्यार शो कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करवाइए, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत ज्यादा खुशियां और कामयाबियां दें, सेहत वाली लंबी जिंदगी दें, और जो मेरे वेलविशर्स हैं सेम दुआएं उनके लिए भी हैं, अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे भाइयों को, बहनों को, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दें, और बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दें, और हमारे रिस्क में बरकत दें, ताकि हम इंसानों की, अल्लाह ताला की मखलूक के काम आ सकें। ठीक है जी, और अच्छा अच्छा काम करते जाएं, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह आपके साथ पॉजिटिव होगा, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला के साथ खुद अच्छा करेंगे। सो जी, मेरे साथ बने जुड़े रहिए, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सो रेसिपी बहुत मजे की है, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम, वेलकम इताडा महरीन द किचनिच। अज जी मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ जी बहुत ही मज़ेदार शानदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी जी। तो यह जी बहुत ही ईजी क्विक झटपट है, तुसी तैयार करनी है। पहले जी तुसी अद्धा किलो चिकन लै लो, अद्धा किलो नहीं है तो तीन चार पांच बूटियां लै लो जी, ठीक है ना। तो तुसी इन्हां नूं चंगी तरह धोना है, वॉश करके इनू बॉयल करना रख देना, एक गिलास ऐड करके, तो नाल ही तुसी थोड़ा जिहा नमक, काली मिर्च, तो थोड़ा जिहा लसन पाउडर सुट के उन्होंने बॉयल करना है 20 मिनटां तिकर। तो उसके बाद सब्जी तुहानू की चाहिए, सब्जी तो तेजी नाल लंघ गई है जी। हुण तुसी इधर ही वेखना की मैं ऐड कर रही हाँ जी। मैं एक पैन लिया, उहदे विच जी एक 2 तो 3 चम्मच चावल खाने वाले ऑयल दे ऐड किए ने, विच मैं कीती है जी एक गाजर श्रेड कीती हुई ऐड, ते उहनू मैं हल्का जिहा फ्राई कर रही हाँ। तो तुसी भी सेम इंच करना है। तुहानू इहदे विच की चाहिए है, तुहानू चाहिए है जी गोभी, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ते नाल आलू, ते चिकन, बस ए चीज़ां चाहिए ने तुहानू। ऐ जी मैं हुण की कीता है जी, सब तो पहले मैं ऑयल सुटिया, उहदे विच मैं ऐड कीतियां जी गाजरां, फिर जी बंद गोभी, ते हुण मैं इहदे विच सोया सॉस, सिरका, ते चिली सॉस 1 टीस्पून ऐड कर रही हाँ। सिरका तुसी बस एक तो 1 to 2 drops, एक तो 2 करने ने ऐड, ताकि जड़ा ना ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, क्योंकि खट्टा बिल्कुल नहीं चंगा लगता है। मैंने नहीं समझ आ रही है बार बार छाबी क्यों आ रही है, टोकरी क्यों नज़र आ रही है बार बार, हालांकि मैं एडिट भी की है। चलो जी खैर, असी ये की ऐड किया, ये असी किया ऐड सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, तो सिरका जड़ा है बिल्कुल 1 to 2 drops तुसी ऐड करने ने, ज़्यादा नहीं। हुण जी असी शिमला मिर्च पतली पतली लंबे वाल ते कट के ऐ वी इस पॉइंट ते ऐड कर दिती है, जदों गाजरां ते जिहड़ी बंद गोभी है थोड़ी जी नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। गोभी भी तुसी पतली पतली कटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं कटनी, ठीक है जी। ऐ तुसी हुण तकरीबन 5 to 10 मिनट तक इहनू तुसी फ्राई करना है, उहदे बाद तुसी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, नमक हसबे ज़ायका ए बस ऐड करना है, तुसी कुछ ज़्यादा सी ऐड नहीं करना। हाँ तुसी धड़ा मिर्च ऐड कर सकते हो 1/2 टीस्पून, और बस इन्ना ही काफ़ी है, क्योंकि असी इनू ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। ए जी मैं इहदे विच ऐड कर रही हाँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर तुसी नोट करना है, 1 टीस्पून ऐड करांगे, फिर चंगी तरह इनू मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स। जदों इह चंगी तरह मिक्स हो जाता है तो फिर इनू तुसी 1 घंटे तक रख दो, ताकि यह ज़रा ठंडा हो जाए, ठीक है। जो ठंडा हो जाएगा तो फिर असी ये ऐड करांगे 2 आलू जिहड़े तुसी बॉयल करने ने, चंगी तरह बॉयल कर लो।
जदों ठंडा हो जाएगा फिर तुसीं इहदे विच आलू पील ऑफ करके उहदे छिलके उतार के तो उहनां नूं इहदे विच मिक्स करना है उहदा सारा मैश करके ऐ जिवें आलू दे टुकड़े करके इहदे उत्ते रख दित्ते फिर इहनूं चंगी तरह मैशर नाल करन दी कोशिश कीती फिर मैं कहा चलो इहनूं हथ नाल करदे हां ताकि आपस विच सारे रल मिल जाण रच बस जाण ताकि जायका एक दूजे दा फड़ लैण ठीक हो गया ऐ जे इस तरह मैं उंगलियां नाल इहनूं चंगी तरह मैश कर रही हाँ तुसीं चंगी तरह इहनूं आपस विच मिक्स कर लेना है नमक भी चख लेना इहदा काली मिर्च इहदे विच ऐड कीती है असीं ते इहदे विच असीं 1 टीस्पून जिहड़ा है कॉर्नफ्लोर दा ऐड कीता है हुण जी इह तैयार है मेज़ा हुण असीं इहदे बनावांगे कबाब ऐ जी मैं 2 अंडे लैने इहनूं चंगी तरह फेंटना है ते इहदे विच 1 टीस्पून तुसीं ऐड करना है मैदा ते नाल ही असीं ब्रैड क्रम्स लई है तुसीं बाज़ार दी भी लै सकदे हो बड़ी फाइन हुंदी है इह जिहड़ी मैं घर बनाई सी क्योंकि ब्रैड क्रम्स होई सी ख़त्म ते मैं जिहड़ी सी बना रही सी रेसिपी मैं कहा मैनूं ते फौरन चाहीदी है झटपट चाहीदी है ते फिर मैं की जुगाड़ लाया ब्रैड पई सी मैं उहदे छोटे छोटे बस इस तरह दे टोटे कीते उहदे कि इह जी बन जाए साडी ब्रैड क्रम ते तुसीं भी इस तरह दा ही जुगाड़ ला लो इह जी मैं घर च बनाई है ब्रैड क्रम्स सो जी असीं कबाब भी बना लेने ऐ कबाब दा तुसीं स्टाइल रखना है उहनूं अंडे च डिप करना है चंगी तरह फिर उहदे बाद तुसीं जी इहनूं ब्रैड क्रम्स च डिप करना है चंगी तरह 2 अंडे लेने 2 अंडिया दे विच मैं 1 टीस्पून ऐड कीता है जी मैदा बस मैं हुण वारी वारी सारे कबाब इस तरह अंडे च डिप करके ते नाल ही उहनूं ब्रैड क्रम्स ला के शैलो फ्राई कर रही हां ठीक है तुसीं भी एक पैन च ऑयल ऐड करना है साफ सुथरा ऑयल होए बिल्कुल नवा ऑयल तुसीं लै लो ताकि तुहाडे जिहड़े कबाब ने खूबसूरत शक्ल दे बनन क्योंकि कुछ बाज़ खवातीन इस तरह होंदियां ने कि थोड़ा जिहा ऑयल 4-5 दफ़ा यूज़ कर लैंदियां ने मैं आप भी उस खवातीन दे विच हैगी हाँ लेकिन क्या है कि तुसीं जदों रेसिपी बना रहे हो ना फिर तुसीं नवा ऑयल रखो ताकि तुहाडे घर वाले पसंद करन जी गोल्डन गोल्डन प्यारे प्यारे कबाब तुसीं बनाए ने ते अपने दस्तरखान नूं ला लो 4 चांद ते अपने प्यारियां तों लवो जी दाद वाह वाह दी ऐ जी तुसीं खाओगे तो तुहानूं आ जाएगा मजा इसलिए कि आज की रेसिपी आपको होपफुली पसंद आई होगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने अफ्तार की टेबल को सजाइएगा खूबसूरत सी रेसिपी के साथ और अपने प्यारों से वाह वाह की दाद तो आपको मिलनी ही मिलनी है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ सो मेरा व्लॉग पूरा देखा करें एंड तक देखा करें और कमेंट और लाइक आपने जरूर करना है और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे और आप ये खूबसूरत सा व्लॉग पूरा देख सकें तो आप सोच रहे होंगे महरीन द किचन सेगमेंट तो खत्म हो गया है अब ये क्या है अब ये है कि जी मैंने जी आलू की टिक्की बनाई थी और जी ये मेरी बड़ी फेवरेट है और मतलब बच्चों में मैंने बांटना था और उनकी फैमिली में भी भेजना था तो मैंने सोचा कि हाफ बना के रख दूं और हाफ जो है उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूं ताकि जो है थोड़ा सा आपके साथ भी शेयरिंग हो जाए और शेयरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग देखने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव लें और इस तरह का इनिशिएटिव लें बेशक थोड़ा सा एक बंदे को खिलाएं दो बंदों को खिलाएं 2 से 3 करें आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी इस्तेआत है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी जेब के मुताबिक कि आप कुछ ना कुछ अल्लाह की राह पे खर्च करते रहें जब आप अल्लाह की राह पे खर्च करेंगे आप यकीन करें अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे खुश होंगे आपके काम आसान होंगे दुनिया और आखरत दोनों जहानों में अच्छाइयाँ आपके कहते हैं ना कि नोटबुक में लिख दी जाएंगी हम सब की एक एक नोटबुक हर इंसान की है जो इस दुनिया और आखरत में हमारा नामा अमाल बन रहा है जो कि हमें आखरत में हमारे हाथ में पकड़ाया जाएगा और हमें जो है उसका हिसाब नामा या अमाल नामा ही हर हाथ में रखना है और उसका हिसाब देना है तो अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां और अच्छाइयां करने की तौफीक दे और हम लोगों के लिए अच्छा कर सकें क्योंकि आप अच्छा करेंगे आप यकीन करें आपकी नस्लों के साथ अच्छा होगा अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपकी नस्लें जो हैं वो खराब होंगी और वो इस चीज को बेयर करेंगी या फेस करेंगी जो आप
किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या किसी को तकलीफ दे रहे हैं या किसी के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार आपके अपने नहीं हैं, आपके साथ बोझ रखते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, आप यकीन करें वो आपके अपने नहीं हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं। तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कशी करें, अपने अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से लॉ लगाएं, अल्लाह की राह पे खर्च करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। आप यकीन करें आपके सारे मसले आसान हो जाएंगे, हल हो जाएंगे बल्कि। तो अल्लाह की राह पे खर्च करें। ये जी मैंने पैकेट्स बना लिए हैं और अब जो है वो हम बच्चों में बांटेंगे, और बच्चे जी आ चुके हुए थे और यहाँ पे जो है सबको बारी बारी लाइन बना के सबको दे दिया। मैंने फातिमा को बुलाया क्योंकि फातिमा जो है वो मेरी पार्टनर है वो मुझे, हम दोनों मिलके ही बच्चों में बांट रहे होते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि वो छोटी बच्ची है और वो देख रही है कि अच्छा काम हो रहा है, और वो भी कल को जब बड़ी हो तो वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, लोगों के लिए अच्छा करे और अच्छा सीखे। सो ये जी यहाँ पे बच्चों में हम बांट रहे हैं, और बच्चों की माएँ जो हैं वो भी पीछे पीछे खड़ी हुई थी तो उनको भी फ्रंट पे सारों को पकड़ा दिया उनके पैकेट्स। लेकिन वही वाली बात है, सबसे पहले बच्चों को मैं कहती हूँ कि देखे, उनको खुश करें, उनको फ्री करें ताकि वो आराम से सुकून से बैठ के खाएं और अपनी दुआओं में भी शामिल रखें। और इसमें जो जो हिस्सा डालता है मेरी फैमिली या मेरी फ्रेंड्स, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे और हमें और ज्यादा से ज्यादा की तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की मखलूक के काम आ सकें और अच्छा कर सकें, नेक अमल कर सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी और बद नजर से बचा के रखें, हर बुरी आफात से बचा के रखें, और कहते हैं अपने लिए खुद दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हादसाती मौत से बचाएं, सेहत वाली लंबी जिंदगी दें, आसानियां पैदा करें और आसानियां बांटने वाला बनाएं। जैसे कि मेरी फाउंडेशन है अल खुशी फाउंडेशन, स्प्रेड हैप्पीनेस, आओ खुशियां बांटें। तो हमने स्प्रेड हैप्पीनेस का जो स्लोगन बनाया है तो वो ऑब्वियसली हमने खुशियां बांटनी है और हम बांट रहे हैं। तो आप जितने लोग देख रहे हैं मेरे वेल विशर्स, प्लीज आप सब अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखा करें, मेरी फैमिली को, मुझे, कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, रिस्क में बरकत दे और हर बुरे लोगों के शर से, हर बुरी नजर से, बुरे हर तरह की बुराई से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, मेरे वेल विशर्स मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में भी रिस्क अता फरमाएं, खुशियां दें, कामयाबियां दें, उनके बच्चों को सेहत दें, उनके घर के जो सरबराहान हैं उनको सलामत रखें। आप यकीन करें ये दुआ जो है, दुआ देना, मैंने बस ये बचपन से ही मेरी वो चीज़ है कि मैं दुआ जब देती हूँ तो बस दिल से निकलती है और वो इतनी खूबसूरती से निकलती है कि मैं खुद भी हैरान हो रही होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलीका दिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अच्छाइयाँ करने की तौफीक दे और हम सबके हक में बहुत बेहतर करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में हमने यही नेकी और अच्छाई लेके जानी है जो कि हमारे काम आएगी। अल्लाह ताला हम सबके लिए अच्छा करें। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू अनदर सेगमेंट, माई वार्डरोब एंड ज्वेलरी। वार्डरोब एंड ज्वेलरी आज जी आपको वेलकम कर रहे हैं माई वार्डरोब एंड ज्वेलरी में। किस चीज से? जी हाँ जी, मेरे पास तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है। आप इंस्टाग्राम को जैसे ही ओपन करें तो ये जो मेरे हाथ में चीज है ये इतनी ट्रेंड में है, और ये ब्रांड भी अच्छा है, पिक्सी ब्रांड है जी। इसके मेरे पास है जी 3 कलर्स ब्लश के, और जी ये देखें क्लोजअप्स आपको नजर आ रहे होंगे। मुझे तो ये बहुत पसंद आए हैं और मैं भी आपको इनका जो है अनबॉक्स भी करूंगी आपके सामने, और इसके सब कलर्स भी दिखाऊंगी। कलर्स ये हैं, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, और ऑब्वियसली जब मैं अब इसको यूज करना शुरू करूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं, देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जी इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2026-24 है, 2 ईयर्स मोर देन इनफ। और वैसे भी हम लगाते भी थोड़ा थोड़ा तो हैं, तो अच्छा है, अच्छा चलेगा। सो अभी मैं आपको इसकी क्लोजअप दिखाती हूं और मेरे साथ रहें।
जी, तो ये जी पिक्सी ब्रांड है एक, और इंटरनेशनल ब्रांड है, और इसके ये 3 कलर्स आजकल इंस्टाग्राम पे धूम मचाए हुए हैं, और इसको काफ़ी व्लॉगर्स ब्लॉगर्स काफ़ी इसको मतलब इसकी वो जो कहते हैं ना कि कैंपेन स्टार्ट की हुई है, इसकी पब्लिसिटी की या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है पब्लिसिटी ही की कैंपेन है। लेकिन पर्सनली मुझे ये कलर्स इतने अच्छे लगे, ये ऑरेंज कलर था, ये पिंक और वो थोड़ा सा रेडिश टोन में। तो सीरियसली मुझे ना पिक्सी के मैं पहले टोनर भी यूज़ करती रही हूँ, लेकिन वो हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करता, लेकिन मेरी स्किन पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर गया था। तो साथ साथ जी मैं अपनी गिर्दोनवा की चीज़ें भी आपको दिखा रही हूँ। सो मेहरीन लाइफ स्टाइल का जो आपको मेकअप की ये पेंटिंग नज़र आ रही है ना, तो ये क्यों नज़र आ रही है, इसके पीछे यही राज है कि मेकअप की जो मैं हूँ दीवानी हूँ। मेकअप जो है जितना मेरे पास हो कम है, ऑल दो मैं इसको लगाती कम कम हूँ, मेकअप मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन मुझे दूसरों पे मेकअप करने का बहुत शौक है। और किसी दिन मैं आपको अपना ये हुनर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने मेकअप का सीखा हुआ है, सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए दूसरों का मेकअप मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। सो ये जी कलर्स आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग मुझे लगे। अभी मैंने आपको अपने हाथ पे भी लगा के दिखाती हूँ कि इनकी कलर क्या आएगा इनका, अगर आप अपने चीक्स पे लगाते हैं, लिप्स पे लगाते हैं, तो सीरियसली इट्स रियली टोटली वर्थ बाइंग। अगर आपको शौक है तो आप ज़रूर बाय कीजिए। ये देखें जी कितने खूबसूरत कलर्स और ब्राइट एंड सीरियसली मतलब अच्छे अट्रैक्टिव कलर्स हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने इसलिए इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा कि मुझे लेने हैं ये। सो मैंने लिए और इनके थोड़ा सा मैंने स्मर्ज भी करके दिखाया आपको कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप भी इनको बाय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस पे ये अवेलेबल हैं जी। तो मैं जी सोच रही हूँ कि अब जो है वेदर चेंज हो रहा है और मौसम जैसे चेंज होता है, तो पाकिस्तान का खास तौर पे, तो आपको अच्छी और क्वालिटी वाइज लोन भी मिल जाए और रीजनेबल प्राइस में भी हो। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि टाइम जो है जैसे जैसे आगे जा रहा है उस तरह से मतलब हर चीज बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। तो मैंने जी एक ये ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया है, और पहले तो मुझे गिफ्ट आया था इसका, तो मैंने कहा था कि जी ये जरूर मैं खुद भी ऑर्डर करूंगी। और ये मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू एंड ऑरेंज, और मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया है, और बहुत ही खूबसूरत जी ये डिजाइन है। और ये जी इसका नाम बड़ा अजीब सा इन्होंने रखा है, साली टेक्स, मतलब इन्होंने ये क्या नाम रखा है मुझे समझ नहीं आ रही। कोई अगर किसी को सही से प्रोनाउंसिएशन इसकी आती है तो मुझे जरूर बताए, तो अगर पता है ना कि इसका क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है इसका नाम है साली टेक्स। साली आदि घर वाली नहीं, अब ये साली टैक्स उनका किसी का नाम होगा। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको शो करते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जी है शर्ट का पीस, इसका बॉर्डर है, कलर जो है ना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, मतलब ये वही वाला सिल्क कॉटन है, सिल्क लॉन बोल सकते हैं, कॉटन सिल्क जो भी आप बोलना चाहें, मतलब इसके बाजू और घेरा जो बोलते हैं उसको दामन, वो है ये, और अच्छा है कपड़ा, खूबसूरत है। और जी दुपट्टा है, दुपट्टा जी शिफोन का दुपट्टा है इसका, ये देखें जी ये इसका दुपट्टा है, और इसके बॉर्डर पे आई है, इसके बॉर्डर पे जी पट्टी है वही फिरोजी, और अच्छा है मतलब ठीक है अच्छा है। और इसके साथ जी आपको मिल रही है ये ट्राउजर, आप इसको ट्राउजर बनाना चाहें, शलवार बनाना चाहें, ठीक है कपड़ा ठीक है, मतलब इससे पहले जो मुझे गिफ्ट आया था ना वो बहुत खूबसूरत कपड़ा था, ये भी ठीक है एवरेज है, लेकिन वो बेस्ट था, ठीक है ना। ये मेरा दुपट्टा नहीं टिक रहा जी, ये सिल्क है जी, ये टिक दी नहीं की गई।
अच्छा जी, ये आपको मैंने दिखा दिया, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा है। शर्ट का कपड़ा बहुत प्यारा है, दुपट्टे का कपड़ा बहुत प्यारा है, ट्राउजर के साथ इन्होंने क्या किया ये नहीं समझाई मुझे। अच्छा जी, मैं इसके प्राइस भी आपको बता देती हूँ। प्राइस इसके कोई इतने ज्यादा नहीं है, 2750 का ये ड्रेस है, ठीक है जी। और 2750 में आई थिंक ठीक है घर में पहनने के लिए, ठीक है आप अगर घर में पहनने के लिए ले रहे हैं तो आई थिंक ये आप आराम से इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि घर में तो आप कोई भी आराम से सूट पहने, और जो रीजनेबल प्राइस का भी हो, जो घरेलू खवातीन देख रही हैं वो कहते हैं कि जी कम खर्च और बाला नशीन वाला हिसाब, तो कम खर्च में आप यही बाय कर सकते हैं। तो ये आम सी बात है, 2 से 3 हजार का तो आम से सूट मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा है, कॉटन सिल्क है, अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। आप जरूर सारे टैक्स पे जाएं और बाय करें, अच्छी चीज है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको मेरा, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे खास खास शामिल रखें। अब हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अच्छा करते जाएं और अच्छा बीज बोएं, कल को उसका फल अच्छा मिलेगा। डू गुड एंड हैव गुड। आप अगर किसी के लिए आज अच्छा करेंगे, कल आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह ताला ने बेहतरियां करनी है और अच्छा करना है। और अपने सराउंडिंग में लोगों को देखिए, मुमकिन हो तो उनको हेल्प कीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दें, और ये नेकी का काम है। और अब जो है गर्मियां आने वाली हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि कोई पौधा लगाइए और वो कल को जब बड़ा होता है तो उसकी छांव भी किसी को मिलती है, तो ये भी बहुत सवाब का काम है। और अगर हमने नेकी कमानी है ना, तो किसी हॉस्पिटल में व्हील चेयर दे दें, किसी मदरसे में या किसी गरीब को कुरान पाक दे दें पढ़ने को, ये सबसे बेस्ट नेकी है। और भूखे को खाना खिला दें, ये सबसे बेस्ट है। तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करते जाएं ताकि आखिरत भी हमारी आसान हो और इस दुनिया में भी हमारे काम आसान होते जाएं। सो जी, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलूंगी। और जाते जाते यही कहूंगी कि अपनी दुआओं में मुझे खास शामिल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली के लिए खास दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे पेरेंट्स को, हम सब बहनों को, हम सबको अपनी हिफ्ज व अमान में रखें और हर बुरी और बद नजरों से बचा के रखें, और अपने गैब के खजाने से भर भर के रिस्क दें, और बुरी नजरों से और शैतानों के शर से, बुरे शर से, इंसानों के शर से हम सबको महफूज रखें। जितने भी मेरे वेलविशर्स हैं, जितने भी प्यारी लोग देख रहे हैं, सबके लिए सेम दुआएं हैं। सो जी, माशाल्लाह बोल दिया करें जब भी आप मेरा व्लॉग देखते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि नजर भी लगती है, ऑब्वियसली लगती है नजर, और नजर बहुत बुरी चीज होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपको मैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।